सीएम साइंस कॉलेज में चल रहे दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का शनिवार को हुआ समापन। समापन समारोह में महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर दिलीप कुमार चौधरी ने छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए बताया कि निरंतर बदलते समय के परिप्रेक्ष्य में महाविद्यालय ने छात्रों के लर्निंग की प्रक्रिया को समन्वित बनाने के लिए समुचित बदलाव की जा रही है। अपने संबोधन में उन्होंने छात्रों को अपनी प्रेजेंटेशन स्किल बढ़ाने की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि भविष्य में विषयगत अर्जित ज्ञान के साथ साथ उस ज्ञान की सहज एवं सरल अभिव्यक्ताएं अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे पहले दूसरे दिन आयोजन तकनीकी सत्र में चार विषय विशेषज्ञों ने अपने व्याख्यान दिए। पहले व्याख्यान अमेरिका के पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के शोध विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ सिंह ने एडवांस मटेरियल एंड नैनो साइंसेज के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि किस तरह नैनो मटेरियल और एडवांस मटेरियल वर्तमान समय में मानव जीवन को सहज और आसान बनाने में हर क्षेत्र में अपना अहम योगदान दे रहा है। तकनीकी सत्र के बाद स्नातक एवं स्नातकोत्तर के प्रतिभागी छात्र छात्राओं एवं शोधार्थियों द्वारा पोस्टर प्रेजेंटेशन दिया गया। स्नातकोत्तर रसायन शास्त्र विभाग के प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी एवं प्रोफेसर प्रेम कांत झा ने इस सत्र के निर्णायक मंडल के सदस्य के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निर्णायक मंडल के सदस्य द्वारा पोस्टर प्रेजेंटेशन के विभिन्न पहलुओं पर बारीकी से मूल्यांकन करते हुए इस सत्र में स्नातक उत्तर रसायन शास्त्र विभाग की अदिति कृष्णा को प्रथम, सीएम साइंस कॉलेज की रिद्धि ठाकुर को द्वितीय, राहुल तथा अभिषेक को संयुक्त रूप से तृतीय पुरस्कार के लिए चयन किया गया। ओरल प्रेजेंटेशन कोटी में एमआरएम कॉलेज की अनुपम अंजलि स्नातक उत्तर रसायन शास्त्र विभाग के पवन कुमार सदा एवं सीएम साइंस कॉलेज के नौशी नंबर को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के लिए चयन किया गया। इस सत्र के आयोजन में रसायन शास्त्र विभाग के सभी शिक्षकों एवं शिक्षकातर कर्मियों ने भरपूर सहयोग किया। संगोष्ठी के संयोजक डॉक्टर विश्व दीपक त्रिपाठी के संचालन में आयोजित समापन समारोह के धन्यवाद ज्ञापन संगोष्ठी की सह संयोजक डॉक्टर निधि झा ने किया। में भाग लेने वाले प्रतिभागी एवं छात्र छात्राओं, हमारे प्रिय शिक्षकगण, हमारे मित्र पीढ़ी से आए संजय चौधरी जी, आईसीआर से आए हुए हमारे अतिथि, आप लोगों ने इस तरीके से दो दिन में काफ़ी उत्साह से इस सेमिनार का समापन आज कर रहे हैं। हर प्रोग्राम को आप लोगों ने किया है, बच्चों ने काफ़ी प्रतिभा दिखाई है, जिन कारणों से कुछ बच्चों का एब्स्ट्रैक्ट छूट गया होगा या जो शिक्षक या रिसर्च स्कॉलर का हमने त्रिपाठी जी से कहा है कि एक पुनः फिर एक उसको रिलीज करने के लिए और उसमें सबों का समाहित कर दिया जाएगा। जो हमारे पीजी के स्टूडेंट मंच संचालन कर रही थी, बहुत अच्छा लगा, भाई चांसलर ने भी अप्रिसिएट किया। आप लोगों की उपस्थिति, आप लोगों की सहभागिता से रसायन विभाग का गौरव बढ़ा है। इस गौरव को आप लोग और ऊंचा कीजिएगा। आप लोगों को कोई पठन पाठन में और किसी चीज़ में कोई तकलीफ हो तो, चूँकि हम वहाँ विभागाध्यक्ष भी हैं और अभी आपके प्रभारी प्रधानाचार्य भी हैं, तो ये विश्वास दिलाते हैं कि पठन पाठन के मामले में नियमानुकूल कोई भी अनुशासन के साथ
छात्र छात्राएं यदि हमारे पास आएगी या आएंगे, उसका मुक्ता प्रमुखता से निदान किया जाएगा और इसी तरीके से सब आदमी मिलजुल कर रसायन विभाग को जो एक सीएम साइंस कॉलेज की एक गरिमा थी, हम भी यहीं के छात्र रहे हैं और काफ़ी शिक्षक रहते थे, अभी तो शिक्षक आए भी हैं आपके विभाग में, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारा एक छोटा सा प्रयास जरूर है कि रसायन विभाग जो एक एवेंटेड टाइप का कुछ लगता है उसको कितना अच्छा बना सकें। आपको दो तीन महीना उसमें समय लगेगा, लेकिन रसायन विभाग अपने पुनः कोई हुई प्रतिष्ठा जो थोड़ी बहुत गिरी है उसको वापस लाएगी, लेकिन उसमें आप लोगों का सहयोग अपेक्षित रहेगा। सवाल सिर्फ एक ही रहेगा कि अनुशासन से, अनुशासनहीनता, जब हम भी स्टूडेंट थे हम भी अनुशासनहीनता में नहीं रहे, तो अपने से सीनियर या अपने से जूनियर से प्रेम से कहीं आपको किसी टॉपिक पर किसी चीज़ पर कोई दिक्कत होती है आप शिक्षक से मिलिए, यदि उनसे कोई निदान होने में भी आपको दिक्कत होती है कम टू मी, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। आप लोगों ने काफ़ी इसमें रुचि दिखाई और आगे भी हमारा हम अपने शिक्षकों से आग्रह करेंगे कि आने वाले दिनों में महीना में कम से कम एक बार पीजी स्टूडेंट्स या यूजी स्टूडेंट जो ऑनर्स में थर्ड ईयर में हों उनको कोई टॉपिक दिया कीजिए, टॉपिक दीजिए और टॉपिक देकर उनसे एक सेमिनार का आयोजन एक पार्ट में कीजिए कि ये प्रत्येक मंथ कोई टॉपिक पर जो सब्जेक्ट से भी रिलेटेड हो जो उसको अवेयरनेस हो और उसमें मैंडेटरी कीजिए। क्योंकि मैं दो बात बताता हूँ, मुझे मालूम नहीं था कि इंटरनल एग्जाम जो होता है वो विश्वविद्यालय का एग्जाम है, उसमें फेल तो सारे सब्जेक्ट में पास तब भी फेल, इसीलिए उसको भी मजाक मत बनाइए, बी सीरियस। बहुत सारे बच्चे क्लासेज नहीं आते हैं, तो हम इस बार से अभी तक जो हुआ सो हुआ, मैंने कहा है अपने विभाग में सबका अटेंडेंस मुझे चाहिए, मैं इस बार एपीआर होने में भी कठिनाई होगी आप लोगों, इसलिए आप लोग निश्चित रूप से और बाकी पढ़ने पढ़ाने कहीं कोई क्लासेज आपका नहीं हो रहा है मुझे खबर कीजिए, टीचर आपको उपलब्ध रहेंगे और कोई चीज़ आप नहीं समझ पा रहे हैं कोई दिक्कत हो रही है तो टीचर के पास जाइए, क्लासरूम में जो समझ लिए समझ लिए, उसके बाद भी आपको कोई दिक्कत हो तो निश्चित रूप से जाना चाहिए टीचर के पास कि इस टॉपिक को हम ठीक से नहीं समझ पाए, इस लाइन को हमें समझाइए, जो प्रॉपर वे है पढ़ने और पढ़ाने का।